चौथी शताब्दी के आसपास महाकवि कालिदास ने लगभग 120 छंदों का एक काव्य संस्कृत में लिखा था, मेघदूतम यानी द क्लाउड मैसेंजर। ये दुनिया का पहला संदेश काव्य है, मैसेंजर पोयम। ये पूरी कविता एक यक्ष का डायलॉग है जिसे अपनी पत्नी से मजबूरी में बिछड़ना पड़ा है। किसी भी बिछोह की सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि संवाद टूट जाता है। हम जिसे प्यार करते हैं उससे अपने मन की बात कह नहीं पाते, उसे बता नहीं पाते कि उसके बिना हमारा हाल क्या है, कैसे हम उसकी याद में तिल तिल कर मर रहे हैं। यक्ष इसी तड़प से गुजर रहा है, वो बस एक बार अपनी वेदना अपनी पत्नी तक पहुंचाना चाहता है। तभी बरसात का मौसम आ जाता है, आकाश पर गहरे काले बादल घेराते हैं। यक्ष ये देखता है तो उसके मन में बिजली की तरह एक विचार कौंध उठता है। वो पर्वत की चोटी पर जाकर बादलों से कहता है, तुम तो मेघ हो, जहां चाहे बिना रोक टोक आ सकते हो, जा सकते हो। एक बार प्रेम की वो पीड़ा जो मुझे भीतर से चीर रही है सुन लो, और जब सुन लेना तो मेरा बोला हुआ एक एक शब्द जाकर मेरी पत्नी को सुना देना, पानी की जगह मेरी वाणी उस छत पर बरसा देना। क्या कहता है यक्ष मेघों से, महाकवि कालिदास की सींची हुई भूमि पर मैंने अपने शब्दों के बीज बो दिए। यक्ष की वेदना और उसकी तड़प दोनों आपको समर्पित। मुझे विश्वास है कि हजारों वर्ष पहले प्रेम की जो पीड़ा यक्ष ने सही थी वो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि प्रेम आज भी उतना ही सुखदाई है और उतना ही दुखदाई है। उससे कहना कि सर्द रातों में कप कपाता है जिस्म जितनी बार, चीखता है मेरा अकेलापन, टूट जाते हैं सब्र के सब तार। वहशियों की तरह भटकता हूँ मैं, हवाओं से ठानता हूँ रार, कोई सुन ले तो कान फट जाएं, मेरे अंदर मचे वो हाहाकार। उससे कहना वो एक एक किस्सा, तुमसे रो रो के मैं जो कहता हूँ, इतना कमज़ोर हो गया हूँ मैं कि हवाओं के साथ बहता हूँ। दूरियाँ आरियाँ हैं, पेड़ हूँ मैं, रोज़ कटता हूँ, घाव सहता हूँ, जितना निखरा हुआ सा रहता था उतना बिखरा हुआ सा रहता। उससे कहना कि मैंने हफ्तों से बाल अपने नहीं संवारे हैं, ना तो पहने हैं नए कपड़े ही, ना पुराने अभी उतारे हैं। उससे कहना कि कान के कुंडल पहले जैसे नहीं दमकते हैं, उड़ गया है वो रंग सोने का, अब तो लोहे के जैसे लगते हैं। मुझे रहता ही नहीं ध्यान अपना, मुझे आती ही नहीं अपनी खबर, मुझे मिलता ही नहीं अपना पता, कभी जाती ही नहीं खुद पे नजर। मेरा मस्तक वो जिसपे सजता था सुर्ख त्रिशूल का तिलक गहरा, कितना फीका सा नजर आता है, वो मेरा रूप, वो मेरा चेहरा, वो मेरा चेहरा जिसकी आभा से जेठ की धूप भी लजाती थी, वो मेरा चेहरा जिसकी एक लपक 10 दिशाओं में लपलपाती थी। मैं मोहब्बत का नाम भी सुन लूं तो अचानक से बदल जाता हूं, प्यार में हंसते खिलखिलाते हुए कोई दिख जाए तो जल जाता हूं। आ गए पास दो चराग अगर, फूंक दोनों बुझा दिए मैंने, डाल पर दिख गए जो दो पंछी, मार पत्थर उड़ा दिए मैंने। पर्वतों के शिखर पे जा जाके कितनी आवाजें मारता हूं मैं, बैठ जाता है ये गला मेरा, उसको इतना पुकारता हूं मैं। कभी टकराए मेरी चीखों से तो ये पर्वत भी रेत हो जाए, ऐसे रोता हूं पांचवें सुर में, आसमानों में छेद हो जाए। प्रेम के आगे तुच्छ हैं सारे, इस जमाने में जितने भी दुख हैं, फूटती है भगीरथी झर झर, अब ये आंखें नहीं हैं, गोमुख हैं।